विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश में मंगलवार को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान कई नामांकनों पर निर्वाचन आयोग की कैंची चली। स्क्रूटनी के बाद यह बात साफ हो गया कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार ताल ठोक रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी चुनाव आयोग की तरफ ताक रहे हैं। दरअसल स्क्रूटनी के दौरान चुनाव आयोग ने 3 नामांकन पर्चों को होल्ड कर दिया है। होल्ड किए गए नामांकन के पर्चे किसी नए नवेले उम्मीदवार के नहीं बल्कि राजनीति के दंगल में पहले भी किस्मत आजमा चुके और सूबे की सत्ता में मंत्री पद का लाभ पा चुके दिग्गजों का है। इनमें पहला नाम है पूर्व मंत्री अजय सिंह का, जो कि चुरहट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पर आरोप है कि इन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में अपनी और पत्नी की संपत्ति का गलत शपथ पत्र पेश किया। इसी आरोप के आधार पर निर्वाचन आयोग ने इनका नामांकन होल्ड कर दिया है। नामांकन होल्ड किए जाने वाली लिस्ट में तीसरा नाम सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह का भी है। राहुल सिंह लोधी मंत्री हैं और खरगापुर से बीजेपी ने इन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है। इनके विरोधी ने आपत्ति जताई तो निर्वाचन आयोग ने इनका भी पर्चा होल्ड कर दिया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा का नाम इस सूची में भी शामिल है। पटवा भोजपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने आपराधिक प्रकरण छिपाए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने उनका भी पर्चा होल्ड कर दिया।